दोस्तों फिलहाल अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं तो वो है तेलुगु लैंग्वेज की सुपर हीरो फिल्म हनुमान, जिसको रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 9वां दिन चल रहा है। लेकिन दोस्तों फिल्म की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर अभी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हासिल की है। कहीं से कहीं तक अभी फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं, कहीं से कहीं तक भी अभी फिल्म के कलेक्शन में हमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले शुक्रवार यानी कि 12 जनवरी को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म ने फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचा रखा है। हिंदुस्तान की जनता को यह फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान फिल्म अपने पहले 8 दिनों में ऑफिशियली इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और आज अपने 9वें दिन, क्योंकि फिल्म का आज दूसरा सैटरडे है, तो फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से काफी बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। तो आज अपने 9वें दिन यह फिल्म क्या गुल खिला रही है बॉक्स ऑफिस पर, कितना कलेक्शन कर रही है, फिल्म का 9 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो रहा है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी फिल्म हनुमान पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म हनुमान की, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एक तेलुगु लैंग्वेज की सुपर हीरो फिल्म थी जो कि पैन इंडिया रिलीज की गई थी। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म के डायरेक्टर थे प्रशांत वर्मा और फिल्म को प्रोड्यूस किया था के निरंजन रेड्डी ने। फिल्म में हमें तेजा सज्जा, अमृता अय्यर, वारालक्ष्मी सरत कुमार और विनय राय अहम किरदारों में नजर आए थे। अगर दोस्तों मैं फिल्म के बजट की बात करूं तो ऑफिशियली जो फिल्म का बजट था वो 40 करोड़ रुपए से भी कम का था, यानी कि बहुत कम बजट की ये फिल्म थी और एक छोटे सुपरस्टार की फिल्म थी। दोस्तों यहां पे आप देखने वाली बात ये है कि बहुत बड़े-बड़े बजट की फिल्म जिनका बजट है 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए होता है और वो फिल्में 30-40-50 करोड़ रुपए कमाकर बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो जाती है, वजह उसकी ये होती है कि फिल्म का कंटेंट बिल्कुल भी फिल्म के कंटेंट में बिल्कुल भी जान नहीं होती है और ऑडियंस को वो फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, यानी कि लोग फिल्म की कहानी से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म हनुमान ने वाकई बॉक्स ऑफिस पर जो करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों शायद आप यकीन नहीं करेंगे, फिल्म का जो पहले दिन का यानी कि फ्राइडे का 12 जनवरी का जो कलेक्शन था वो 11 करोड़ 15 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट था और वहीं फिल्म ने जो वर्ल्ड वाइड में टोटल कमाई की थी वो 20 करोड़ रुपए की थी। फिल्म का 3 दिनों का वीकेंड बहुत शानदार रहा था, 40 करोड़ 65 लाख रुपए फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में पूरे इंडिया से नेट कमा लिए थे। तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो 73 करोड़ रुपए था। उसके बाद चौथे दिन फिल्म का तकरीबन मंडे था, यानी कि आप मान के चलिए फिल्म ने अपने चौथे दिन भी बहुत शानदार कलेक्शन में हमें ग्रोथ दिखाई, 15 करोड़ 20 लाख रुपए। पांचवें दिन 13 करोड़ 11 लाख रुपए, छठवें दिन 11 करोड़ 34 लाख रुपए, सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन था 9 करोड़ 50 लाख रुपए। और दोस्तों तेलुगु के साथ साथ ये फिल्म हिंदी भाषा में भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। और बात करूं मैं 8वें दिन की, तो फिल्म का दूसरा फ्राइडे था और फिल्म का 8वें दिन का जो ऑफिशियल कलेक्शन था वो था 10 करोड़ 5 लाख रुपए और फिल्म ने 8 दिनों में 99 करोड़ 85 लाख रुपए कमा लिए थे सभी भाषाओं में। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा, मलयालम पांचों भाषाओं में तेलुगु और हिंदी से फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई है। तो 8 दिनों में फिल्म की इंडिया के अंदर 99 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई हो गई थी। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 116 करोड़ रुपए हो गया था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 47 करोड़ रुपए और कुल मिला के फिल्म की जो पूरे वर्ल्ड में टोटल कमाई थी 8 दिनों की वो 163 करोड़ रुपए हो गई थी। जो दोस्तों 163 करोड़ 8 दिनों में फिल्म हनुमान ने कर लिए थे। अब आता है 9वां दिन, यानी कि फिल्म का आज दूसरा सैटरडे है। लेकिन दोस्तों शायद आप यकीन नहीं करेंगे, 14 से 15 करोड़ रुपए ये फिल्म आज पूरे इंडिया से कमा रही, क्योंकि आज की ऑक्यूपेंसी कमाल की है, सारे शोज फिल्म के पास फुल फुल हाउसफुल भरे हुए हैं। तो 9 दिनों में फिल्म हनुमान 115 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई इंडिया से नेट कर रही है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 185 करोड़ रुपए कमाकर इतिहास रच रही है और अभी भी ये फिल्म पूरी तरह से नॉट आउट है, क्योंकि कल संडे है, संडे में ये फिल्म और ज्यादा ग्रोथ हमें दिखाएगी। लेकिन उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिर भी रुकने वाली नहीं है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी और भी आगे जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको कैसी लगी थी फिल्म हनुमान, कमेंट में जरूर बताइएगा।